अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आपके शहर सिवान में IHSM लेकर आया है MSBTE से अप्रूव्ड फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के कोर्सेज का खजाना। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस ट्रेनिंग के लिए संपर्क करें। प्रदूषण और पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए विकल्प के रूप में लोगों को ई रिक्शा, ई स्कूटी और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत गार्बेज लोडर के रूप में मिल रहा है। इसी को दृष्टिगत आज श्रीराम इंटरप्राइजेस शोरूम का आज विधिवत उद्घाटन बिहार विधान परिषद के दिग्गज पार्षद केदारनाथ पांडे, पूर्व मंत्री एवं सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी, दरौदा विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह एवं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सिवान जिला इकाई के अध्यक्ष बागेंद्र नाथ पाठक द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। अपने अलग अलग संबोधन में आगत अतिथियों ने कहा कि बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई रिक्शा और लोडर आया है। साथ ही इससे पर्यावरण स्वच्छता को भी बल मिलेगा। अतिथियों ने कहा कि शोरूम की शुरुआत होना सिवान वासियों के लिए आज खुशी का पल है। वहीं श्रीराम इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर राजन तिवारी एवं अंकित पाठक ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर दुकान, स्कूल, बाजार आने जाने के लिए बेहतर विकल्प के रूप में आया है। इस गाड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ता है। भारत सरकार ने इसकी छूट दी है। प्रोप्राइटर द्वय ने कहा कि मात्र एक फुल चार्ज से 100 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। श्रीराम इंटरप्राइजेस के उद्घाटन के मौके पर आज आप लोग पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जापानीज कंपनी टेरा मोटर्स है, जिसकी एजेंसी वेंकटेश मोटर्स ने ली है पूरे बिहार के लिए और अब राज्य के सभी जिलों में इसकी एजेंसी खुली है। सीमान में भी ये तिवारी जी और पाठक जी मिल के ये सब काम शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज जो पर्यावरण के प्रदूषण का प्रश्न फैल रहा है पूरे देश में, राज्य में, तो इससे प्रदूषण का सवाल पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बैटरी से चालित स्कूटर है और ऑटो है, तो ये प्रश्न पैदा नहीं हो रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और महंगाई बड़ी तेज़ी से गरीब जनता को दबा रही है, तो इसमें पेट्रोल और डीजल का सवाल पैदा नहीं होता है। बिजली से बैटरी चार्ज कर ली जाएगी और उसके बाद ये चलेगी, तो एक सस्ता भी यातायात जो है पब्लिक को ये सस्ता सुलभ कराने की भी एक अच्छी योजना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि टेरा मोटर्स ने टेरा फिनांस भी लॉन्च किया है, तो कंपनी खुद गरीबों को ऋण देती है और उनको प्रोत्साहित करती है कि आप इस ऑटो को लीजिए और पढ़े कम से कम 2-4 हज़ार रुपये कमा करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण भी आप बखूबी कीजिए। तो इस तरीके से एक साथ इस कंपनी ने कई फायदे दिए हैं और सबसे बड़ा काम जो कंपनी का है कि गरीबों को एक तरह से इतने रोजगार भी देने का काम किया है। मेरी समझ से ये कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है, इसका लाभ सिवान के लोगों को भी उठाना चाहिए। आज टेरा मोटर्स का ये यहाँ पे उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जापानीज कंपनी के द्वारा टेरा मोटर्स के आज सिवान में भी एक प्रतिष्ठान श्रीराम इंटरप्राइजेज के द्वारा खोला गया है। और आज के जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में प्रदूषण से मुक्ति अति आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए भी प्रदूषण सबसे खतरनाक चीज़ है,
आदमी के आयु को कम करता है। वैसे परिस्थिति में जो हमारे पार्षद जी हैं आदरणीय केदार पांडे जी ने विस्तृत से टेरा मोटर्स के संबंध में इन्होंने जानकारी देने का काम किया। यह हर तरह से सुलभ है और गरीबों के हित में है। यह जो टेरा मोटर्स है वो स्वयं फाइनेंस करती है और गरीब भी लोग होंगे उनको उपलब्ध कराने का काम ये करेगी। जैसा आदरणीय पांडे जी सर, जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है उसको देखते हुए लोगों को इस तरह रुझान करना चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक, कैसे नहीं रुझान होगा जी? जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है और इतना ही नहीं, आज तो ऐसे परिस्थिति हो गई है कि बिहार के, जहाँ हम बिहार की बात करते हैं, सीमान की बात करते हैं, बहुत ऐसे पेट्रोल पंप है जो तीन तीन चार चार दिन डीजल और पेट्रोल के अभाव में बंद रहता है, बंद रहता है। वैसे परिस्थिति में इसका बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है कि चूंकि बैटरी से यह संचालित मोटर है, रिक्शा है, तो ऐसे परिस्थिति में इसकी आवश्यकता थी। और ये सिवान के ही निवासी श्री तिवारी जी, उनके साथी अन्य कोई और हैं राजन तिवारी जी, इन लोगों ने स्टेट के जो मुख्य है इसके जो कहिए जो डीलर हैं उनके द्वारा इन लोगों को सिवान में ये प्रतिष्ठान की मंजूरी मिली है और वो आज इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है सर। तो मैं समझता हूँ कि सिवान के जो जरूरत थी वो जरूरत पूरी हुई है और पूरा रुझान होगा, काफ़ी यह प्रतिष्ठान चलेगा और काफ़ी यहाँ के लोगों को आवागमन में साधन देने का काम यह प्रतिष्ठान कर रहा है। ठीक है। अच्छा लगा और एमएलसी साहब और यहाँ जो पार्षद हैं विधायक जी, उनको हम लोगों के पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ के इसको रिप्रेजेंट किए हम लोगों के ई रिक्शा और ई बाइक।